आइए हम देखते हैं आज की वीडियो में डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर या फ्रैक्शन बोलें, बात एक ही है। तो अगर आपको याद हो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन किसे कहते हैं, कैसे करते हैं, आर अपॉन एस, तो जो भी होता है मैं इस रूल को बोलता हूँ आर आर रूल। कौन सा रूल? आर आर, राइट रेसिप्रोकल, राइट रेसिप्रोकल। तो ये वाला जो रूल है वो आपको याद रखना है। तो राइट, इन दोनों में से कौन सा राइट है? ये वाला राइट है। तो हम क्या करेंगे, पी अपॉन क्यू को सेम रखेंगे। सो पी अपॉन क्यू सेम आ गया, और ये एस अपॉन आर, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और डिवाइड बन जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये तो इसका एल्गोरिथम वे हो गया। और ये अब ये क्वेश्चन कौन सा बन गया, मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कि किस तरीके से करी जाती है। आइए चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरह देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं करने वाला हूँ फिफ्थ पार्ट, थोड़ा मतलब इजी से ना, मतलब पहले पूरा पूरा फ्रैक्शन तो दिखाई दे, रैशनल नंबर तो दिखाई दे, तभी हम थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन बचाएंगे। आइए चले फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इन दोनों में से कौन सा वाला राइट है? देखो अगर आप यहाँ पे बैठे हैं, बीच में बैठे हैं, तो ये वाला राइट हो गया ना। तो राइट वाला इस तरीके से देखा करो, आपके देखने में कौन सा नंबर राइट में आ रहा है? 1/7 राइट में आ रहा है, ये वाला। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा -2/13 मल्टीप्लाई 7/1। कुछ कैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर दो, नहीं हो रहा तो मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था, नहीं देखा तो आपने पुरानी वीडियो आप देख लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तब भी एक बार रिवाइज कर देते हैं। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो कर देते हैं मल्टीप्लाई, बहुत ही सिंपल है। -2 × 7 इज -14, और 13 × 1 इज 13। अब देखिए यहाँ पर आप क्वेश्चन छोड़ देंगे तो हो सकता है कुछ टीचर्स आपके मार्क्स काट लें, क्योंकि ये क्या है, इम्प्रॉपर रैशनल नंबर है। तो हम इसको क्या करेंगे, मिक्स में कर देंगे। तो अभी माइनस थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। तो आ गया 1 1/13, अब माइनस यहाँ पे लगा दीजिए, तो -1 1/13 इसका आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे जो ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट इन दोनों क्वेश्चन में से घबराइए मत, ब्रैकेट की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि डिवीजन एक सिंबल है और ये नेगेटिव एक सिंबल है, तो दो साइन दो ऑपरेशन इकट्ठे नहीं आते, इसलिए वो ब्रैकेट में डाला गया है। तो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। तो जैसे कि बोला राइट वाला रेसिप्रोकल, ये राइट है, तो -7/12 मल्टीप्लाई 13/-2। ठीक है, तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? कैंसिल मतलब ऐसे ऐसे है, कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा, तो हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 × 13 कितना आ गया, 21, 7 8 9 91 आ गया। ऊपर माइनस है तो माइनस आएगा, और तो नीचे आ गया -24। ठीक है, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 91/24। अब ये कौन सा वाला फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 91 और 24 को। चेक कर लेते हैं टेबल में, जैसे आप करते हैं मैं उसी तरीके से करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको एकदम रिलेटेबल लगे। तो 24 देखो, 24 लगभग जा रहा है 25 के आसपास, 25 × 4 जो होता है वो 100 होता है, तो मैं 4 से ही कर लेता हूँ इसको। 4 4 = 16, 8 और 96, ये तो इससे बड़ा हो गया, तो मेरे को एक नंबर इससे नीचे जाना पड़ेगा, 3 से कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं 12 6 और 7, 72। ओके, तो यहाँ पर आ गया 72, और ये किससे मल्टीप्लाई करा है, 3 से करा है। माइनस कर लेते हैं 11 8 1 9, और ये 8 1 19। तो फॉर्म क्या होती है मिक्स फ्रैक्शन की, वो होती है क्यू आर डी। अगर आपको ये सब नहीं आता हो तो पिछली वीडियोस आपको मिल जाएंगी, अगर आपको ना मिल रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो क्वेश्चन हो गया 3, रिमाइंडर हो गया 19, और डिवाइजर हो गया 24। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी किस तरीके से हम कर रहे हैं। तो ये आपका यहाँ पर आंसर आ गया। तो मैं एक लास्ट क्वेश्चन करता हूँ जो कि है ये फर्स्ट और सेकंड, बताइए कौन सा करूँ। चलो दोनों कर देते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं पहले। तो
पहले इसको प्रॉपर तरीके से एक फ्रैक्शन या बोलूं कि रैशनल नंबर के फॉर्म में अगर हमें लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे। यहाँ पे कर रहा हूँ मैं एक क्वेश्चन, तो -4/1 अगर डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 आएगा, डिवाइडेड बाय 2/3, तो राइट वाला रेसिप्रोकल -4/1 (3/2)। अब देखो ये कैंसिल हो सकता है तो मैं कैंसिल कर रहा हूँ 1 और ये 2। आपको अगर कंफ्यूजन हो रही हो तो आप इसी स्टेप को नेक्स्ट लाइन में भी फिर दोबारा आप लिख सकते हैं -2/1 (3/1। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, जो -6/1 जिसको हम कहते हैं -6, तो -6 आपका ये आंसर हो गया। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन भी कर ही देता हूँ मैं, इसको मैं अपॉन में 1 लिख देता हूँ। ओके, अपॉन में 1 लिख दिया, तो अब इसको सॉल्व करते हैं -3/5 (2/1) है ना, तो 1/2 होगा, सॉरी 1/2, कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो -3/1 (-3/1) = -3/10। तो ये पहले से ही एक प्रॉपर रैशनल नंबर है तो हम इसको इसी फॉर्म में यहाँ पे छोड़ देंगे, बॉक्स कर देते हैं आंसर, ताकि टीचर को आसानी से पता चल जाए कि आंसर क्या लिखा है आपने। तो इसी के साथ आपका आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है, डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लें, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे रैशनल नंबर से बाद, अगला चैप्टर जो हमारा आता है वो होता है सिंपल इक्वेशन। बाकी हम इसके रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम भी देखेंगे, तो बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।